बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल किशन आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी ने पोस्ट कर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए भावुक क्षण है। बता दें कि पाकिस्तान के कराची में जन्मे लाल किशन आडवाणी सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। कराची से भारत तक का सफर कैसा रहा? लाल किशन आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ाई की। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडुमल नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी की। आडवाणी जो महज 14 साल के थे, उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। हालांकि 1947 में देश का बंटवारा होने के बाद आडवाणी के परिवार को अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में लॉ में स्नातक किया हुआ है। इस दौरान वो संघ से भी जुड़े रहे। किशन चंद आडवाणी के घर जन्मे लाल किशन आडवाणी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी से शादी की। बता दें कि उनके दो बच्चे हैं जिनका नाम प्रतिभा और जयंत है। जन्म 8 नवंबर 1927 सिंध प्रांत पाकिस्तान। पिता का नाम किशन चंद आडवाणी, माता का नाम ज्ञानी देवी आडवाणी और राजनीतिक दल भाजपा सम्मान भारत रत्न। आडवाणी का राजनीतिक करियर कैसा रहा? 1942 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। आज़ादी के बाद आडवाणी की राजनीति में एंट्री नगर पालिका चुनाव से ही। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता के लिए दिल्ली शिफ्ट हुए। 1958 से 1963 में उन्होंने दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव का पदभार संभाला और 1970 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। दिसंबर 1972 में लाल किशन आडवाणी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 जून 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। आपातकाल हटाए जाने के बाद मार्च 1977 से जुलाई 1989 वो सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद 1986 तक वो पार्टी के महासचिव रहे। साल 1946 में लाल किशन आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 3 मार्च 1988 को उन्हें दोबारा पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1991 के आम चुनाव में उन्होंने गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1996 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो गृह मंत्री रहे। ये सरकार 13 दिन बाद गिर गई थी। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक उन्होंने गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। जून 2002 से लेकर मई 2004 तक वो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे। आडवाणी 4 बार राज्यसभा और 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। आडवाणी 2004 से 2009 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहे। 10 सितंबर 2007 को भाजपा के संसदीय बोर्ड ने 2009 के आम चुनावों के लिए लाल किशन आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने का औपचारिक ऐलान किया था। यूपी सरकार दोबारा बनने पर 15वीं लोकसभा में आडवाणी की जगह सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। 1980 की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की। बीजेपी के संस्थापक सदस्य लाल किशन आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के चेहरा बने। ये यात्रा 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए शुरू की गई थी। आडवाणी को यात्रा के बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इनमें लाल किशन आडवाणी का नाम भी था। बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इसके अलावा उन्होंने 1997 में भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाते हुए स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाली। पूर्व पीएम अटल को मिल चुका है ये सम्मान। बता दें कि लाल किशन आडवाणी बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इससे पहले पूर्व पीएम दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2015 में आडवाणी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।